आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है। तो आपके चहीते खतीब को आपके हवाले करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल आजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरू सुन्नियत फलके खिताबत के नैयरे ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और हम तमाम भाइयों के साथ बिरादरान वतन को भी रामायण गीता बाइबल अथर्वेद ऋग्वेद जन्म साखी वगैरह की इबारतों से भी समझाए। मेरे दोस्तों मुझे फख्र हो रहा है इस बात को कहते हुए कि गोंडा की सरजमीन के अंदर उम्मुल मदारिस दारुलूम देवबंद के एक शेखुल हदीस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब दामत बरकातहुम आलिया हमारे साथ बैठे हुए थे स्टेज पर। अब्दुल्ला सालिम साहब जब तकरीर कर रहे थे तो यूं कपड़े हटाकर कह रहे थे कि मुजाहिद हबीबी शागिर्द मेरा है, लेकिन इनकी तकरीर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ने वो मकबूलियत से नवाजा है। मैं बड़े अदब के साथ आपके चहीते खतीब को आपके हवाले कर रहा हूं इस जुमले के साथ कि जनाब शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام praise be to Allah peace and blessings on the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala his descendants and all of his companions I seek refuge in Allah from Satan the rejected accursed O my Lord expand me my grace is my task for me remove the impediment from my speech so they may understand what I say Vasudeva sutam devam kansachanura mardanam Devaki Paramanandam Krishna Mande Jagat Guruma Dharm Chetre Kuru Chetre Samveta Yuyutsavaha Mamaka Pandava Shaikum Kuruvat Sanjaya
एव मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा कुतस्तुवा कश्मलिदं विश्मे समुपस्थितं अनार्य जुष्टं सुवर्ग्यं कीर्ति कर्मजुनः मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति विद्येते यशसा मास मास्मगमः दृष्टिपोताम वस्त्रपोताम वदेद माचम वस्त्रपोताम जलाम पिभेद ओम शन्नो मित्र शंबरुना शन्नो भवत वर्यमा शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर जलसा मुअज्जस उलमाए किराम हाजरीन मजलिस प्यारे बच्चों पर्दे में तशरीफ फरमा इस गांव की माँ और बहनों आधी रात गुजर चुकी है आपका ये जलसा इस जलसे की शायद आखिरी कड़ी आपके सामने जब तक आप लोगों का साथ होगा इंशाअल्लाह कुछ कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुक्रगुजार हूं मैं हमारे बड़े भाई नासिरुद्दीन साहब का उनके साथ भाई मोहम्मद इजहार साहब इरशाद भाई और शाबान भाई और उनकी पूरी टीम का। हज़रात उलमाए किराम आपके इस बस्ती में और आसपास के इलाके के बहुत सारी बातें सीरतुन नबी के ताल्लुक से कुरान शरीयत के ताल्लुक से वो लोग समझाते रहते हैं। मैं एक तालिबे इल्म हूँ कोशिश करूँगा कि अकाबरीन के पास बैठकर हमने जो कुछ सीखा पढ़ा वो आपके सामने पेश किया जाए। साथियों और दोस्तों बहुत दूर से सफ़र करके इस जलसे में शिरकत हुई। रात 3 बजे सफ़र हमने शुरू किया था आपके इस बस्ती में 7 बजे 7-7.5 बजे हम पहुँचे। निस्बत सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा जलसे की थी। सफ़र थोड़ी सी दिक्कत दुश्वारी हुई लेकिन जब जहन में महीनों पहले एक डिसाइड एक फ़ैसला होता है तो फिर बर वक्त वो काम कितनों ही मुश्किल हो आसानी के साथ वो काम पूरे किए जा सकते। मेरे भाइयों मेरे साथियों उनवान इतना अच्छा है इस जलसे का कि इससे बेहतर उनवान किसी भी जलसे का नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आगे इस्लाह माशरा है ये टुकड़ा इजाफा किया गया वरना सीरतुन नबी का जलसा नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत लोगों के सामने पेश किए जाए और फिर इंसान अपनी ज़िंदगी का मुआज़ना करे देखे कंपेयर करे कि हमारी ज़िंदगी क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से मैच करती है कि नहीं करती। हमारे साथ और आपके बीच हज़रात उलमाए किराम की निस्बत रहती हमेशा से समझाते कहते हैं कि माशरे की इस्लाह करो
नबी पाक अलैहि सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, आज जितनी भी परेशानियां हैं हमारे बीच में, स्टेट लेवल पर हो, मुल्क लेवल पर हो, आलमी सतह पर हो, इसमें कोई शक नहीं है कि उन तमाम शर्र व फसाद का ज़रिया और सबब हमारे काम ही बनते हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों की करतूत से खुश्की और दरिया दोनों जगह के ऊपर फसाद पैदा होते हैं। हमें तय करना है, हमें फैसला करना है कि अगर हमारे किसी बुरे अमल से, किसी बुरे काम से अगर कहीं पर कुछ बुरा होता है तो हमें उस बुरे काम से बचना चाहिए। आज 26 तारीख है, एक मिनट में ये तारीख 27 नवंबर में तब्दील हो जाएगी। 26 नवंबर का आपका प्रोग्राम, इस महीने में दो बड़े वाकया ऐतिहासिक पेश आए, मैं ये बताकर उसके बाद सीरत के उनवान पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हम में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि आज 26 जनवरी, ये 26 नवंबर को क्या हुआ था। शायद हमें मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आईन आज ही की तारीख में, आज ही के दिन विधानसभा में और संविधान समिति के ज़रिए से इसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको कबूल किया गया था, आज पास हुआ था। 26 जनवरी 1950 में ये कानून पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। तो आज तारीखी एतबार से, संविधानिक एतबार से आज संविधान दिवस मनाया जाता है। और हमें शायद मालूम ना हो और हम ज़रूरत भी महसूस नहीं करते, बल्कि मालूम करना चाहिए, 450 आर्टिकल्स दफात इस संविधान में, 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस संविधान को लिखने में, इसको तैयार करने में। 6 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद प्रेम बिहारी नारायण ने इसको लिखा, मुसलसल 6 महीने का वक्त देकर, और इसकी टाइपिंग किसी कंप्यूटर या किसी आर्टिस्ट या किसी मशीनरी चीज़ से नहीं लिखी गई, बल्कि हाथ से, कलम दवात से इस संविधान को लिखा गया। 1,80,000 अल्फाज तकरीबन इस संविधान में है। 10 मुल्कों के कवानीन में से चुन चुन कर लेकर इस संविधान को तैयार किया गया। ये संविधान जब पास हुआ, ये संविधान जब एक्सेप्ट हुआ, तो उससे पहले तकरीबन 290 या 84 मेंबर थे संविधान समिति के, उन सब ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया, दस्तखत किया उन्होंने, किसी ने अंग्रेज़ी में और किसी ने हिंदी में, और 15 महिलाएं थी सिग्नेचर करने वाली संविधान समिति के अफराद और अराकीन में से, उनमें से एक सिग्नेचर उर्दू में भी हुआ था, और वो उर्दू में सिग्नेचर करने वाले उस वक्त के हमारे और आप सबके अमीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे। बहुत कॉमन चीज़ हम याद नहीं रखते, हमें याद रखना चाहिए।
दो साल 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का संविधान तैयार किया गया और इस संविधान को तैयार करने में 7 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उनमें से चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनमें एक नाम मोहम्मद सादुल्लाह अंसारी भी थे। 7 लोग थे तो फिर आज की तारीख में क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान? वो इसलिए बोलते हैं कि 7 अफराद तैयार किए गए, उनकी एक कमेटी बनाई गई कि आपको संविधान तैयार करना है, लिखना है। तो उन 7 अफराद में से सारे लोग, कुछ तो यूए चले गए और कुछ लोग अपने अपने रियासती इलाके में चले गए, कुछ लोग बीमार हो गए और कुछ इस दुनिया से चले गए, तो सिर्फ तन्हा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस संविधान को लिखा। बड़े ताज्जुब की बात, जिस मुल्क में इतने छुआछूत जात पात भेदभाव हो, उस मुल्क में संविधान लिखने की जिम्मेदारी एक SC ST एक दलित कम्युनिटी में से निकला हुआ एक नौजवान को दिया जाता है। उसकी वजह क्या थी? हालांकि और भी बड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी थे, बहुत सारे लोग थे उस वक्त में, तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी क्यों दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? महात्मा गांधी ने सिफारिश की थी जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू लंदन पहुंचे, वहां पे जाने के बाद वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कहा कि हमें संविधान लिखने के लिए कोई एक ऐसा फर्द बताएं, हमारे आप हमें रहनुमाई करें। चूंकि उस वक्त लंदन ब्रिटिश भारत के हमारे नौजवान पढ़ने जाते थे, बैरिस्टर बनकर आते थे, बैरिस्टर मतलब लॉयर वकील, उसकी पढ़ाई कर। उस वक्त बहुत सारे लॉयर बैरिस्टर थे, तो वहां के प्रोफेसर ने कहा कि तुम यहां क्यों ढूंढने आए, तुम्हारे भारत के अंदर खुद सबसे बड़ा बैरिस्टर, लॉ का बहुत बड़ा ज्ञानी मौजूद है, कानून का। उन्होंने कहा नाम बताए जाए, नाम बताया, कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12 बड़ी बड़ी डिग्रियां थी इनके पास, इन्हीं डिग्रीज की वजह से इनको ये चीज सौंपी गई और पूरी दयानतदारी के साथ इन्होंने इस संविधान को लिखा। और वो संविधान जब लिखकर तैयार हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को देश में 26 जनवरी को हमारे भारत का संविधान इस मुल्क के अंदर नाफिज किया गया, 3 साल के बाद। तो आज 26 नवंबर को यह संविधान लिखकर तैयार हुआ तो पहुंचे सभा में, विधानसभा में, तो वहां चर्चा हुई तो 2000 संशोधन किए गए। संशोधन मतलब तरमीम, तब्दीली, इस्लाह, उसके अंदर 2000 तकरीबन। और अखीर में GST जो अखीर संशोधन है हमारे भारत के संविधान में, जो मौजूदा वक्त में GST का जो सिस्टम नाफिज किया गया। ये चीज हमें और आपको याद रखनी चाहिए, जरूरी है, जरूरत है, वक्त की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, एक तो ये हुआ 26 नवंबर को और एक 20 नवंबर 1750 को भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहिद पैदा हुआ। इसके ऊपर हमारी तकरीबन अभी नई नई कई जगह के ऊपर हमने रोशनी डाली। 20 नवंबर 1750 को श्रीरंगापट्टनम, आज की तारीख में जिन्हें हम और आप मैसूर कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा मुजाहिद, उसका जन्म हुआ, जिसको हम और आप फतेह अली खान
सुल्तान टीपू के नाम से जानते। उसको शेर क्यों बोलते हैं कि उसने वो डायलॉग उसका मशहूर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, नहीं इस वजह से वो शेर नहीं थे, बल्कि एक वक्त में इन वन टाइम एट अ टाइम उसने स्ट्रगल किया, फाइट किया था एक वक्त में 4 दुश्मनों से। उसके चारों तरफ दुश्मन थे, दक्कन में निजाम थे, सामने अंग्रेज थे, बाएं तरफ नवाब मोहम्मद अली खान थे, पीछे समंदर, बीच में घिरे हुए थे। एक वक्त में सब बिक चुके थे, निजामे दक्कन बिक चुका था, नवाब मोहम्मद अली खान अंग्रेज के कठपुतली बन चुके थे, और अंग्रेज तो था ही दुश्मन, और पीछे समंदर, समंदर का पानी चारों तरफ से जब घिर चुके, तो उस वक्त भी इन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे मजहब, एक वक्त में दोनों चीज को सामने रखकर, मैदान है जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, उसके बाद फिर तलवार उठाए। मैं आखिर में रोशनी डालूंगा। तो ये दो वाकया इस मुबारक महीने में बड़े रूनुमा हुए हैं, जो हमारे और आपको याद रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सीरत के ताल्लुक से बात की गई, सीरतुन नबी के उन्वान, आज हमारी जिंदगी में यकीनन सीरत नहीं है, जिसकी वजह से अदना सा इंसान भी सीरत के ऊपर एक्सप्लेन करने लग जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को और उनकी जिंदगी को अपने अल्फाज में, अपनी जहालत के सांचे में ढालकर बयान करने की कोशिश करता। सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत तो वो है कि इंसान, जो भी इंसान अपना ले, वो इंसान दुनिया में अगर वक्ती तौर पर ऐसा महसूस होगा कि वी विल बी लूजर, हम कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन मरने के बाद यकीनन कामयाबी उसके मुकद्दर में है, वह कामयाब जरूर होगा। मन अता अल्लाह व रसूल फ़कद फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उनके अहकाम की पासदारी करता है, तो वह इंसान यकीनन कामयाब हो गया। हमारी जिंदगी में सीरत नहीं है, सुन्नत नहीं है, जिसकी वजह से एक नापाक को, मुल्हिद को, एक मनहूस को, उनकी जुबान में भी ताकत पैदा हो जाती है नबी पाक अली सलाम की सुन्नत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। आपको याद होना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन पहले आप ही के इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की धरती पर, एक मलून लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, उसने तौहीन आमेज कलिमात कहे नबी पाक अली सलाम की जीवनी के ऊपर। नबी पाक अली सलाम ने 11 शादियां की, रीजन क्या है, एंड वी डोंट नो, हम भी नहीं जानते, एंड यू ऑल्सो डोंट नो, आप भी नहीं जानते। उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम तराशी की कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की इस वजह से की, इस वजह से की, वो औरत के शौकीन थे अलायाज़ु बिल्ला। और इल्जाम ये भी लगाते हैं कि मोहम्मद मानसिक एतबार से बीमार थे, ये इल्जाम। वो सीरतुन नबी जिनकी सीरत को, अरे जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जिनके सदके में इस दुनिया को, इस कायनात को बसाया, जो वजह तखली के कायनात हैं, उनके बारे में आप तौहीन आमे इस कलिमात बोल रहे हो। एक इल्जाम ये भी था उसका, उस मलून का, कि वो ढोंगी थे। आप जानिए वो इंसान कौन है, उसका नाम सिर्फ मुसलमानों से मैच करने की वजह से मुसलमान कंफ्यूज में है कि ये मुसलमान होकर ऐसा बोलता है। द कन्फर्म आई एम टेलिंग यू, मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि वो शख्स मलून है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, उसके कुफर में कोई तरद्दुद नहीं, इसलिए कि वो जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता है, उसका, उस तंजीम का, उस फिरके का, वो फिरके जाल्ला है।
राफजी शिया है, और शियों में जो राफजी फिरके का होता है वो बिल इत्तेफाक काफिर होता है, क्योंकि वो नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना कुरान से साबित है। वो कुरान को कुरान नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये कुरान जो सामने 30 पारे का है इसमें से 10 पारे छुपा कर रद्द दिए गए। और वो ये भी कहता है राफजी शिया, वो ये भी कहता है कि चारों खुलाफा नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट, वो सब कुछ हजरत अली को मानते हैं, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, देयर नथिंग, वो कुछ भी नहीं, वो सब कुछ उनको मानते हैं। और वो ये कहता है, राफजी शिया का अकीदा होता है कि हजरत जिब्राइल अमीन आए, आने के बाद नबूवत मैसेज वही हजरत अली के लिए ला रहे थे, रास्ते में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मुलाकात हो गई तो वहीं पर उन्होंने छीन लिया और उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। यह अकीदा कितना मनहूस अकीदा। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, साफ कर दूं, मुसलमानों, नौजवानों और दुनिया के मुसलमानों और दुनिया के इंसानों, वो उसका तोहमत लगाना नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर वो लगा सकता है, क्योंकि वो खुद मुसलमान नहीं है, उसे पता नहीं कि वो जिस शख्सियत पर और जिस जात पर इल्जाम लगा रहा है। व आदमो बैन अल मा व तीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफलाक वल अर्ज़ीन व सलातु व सलाम अला मन काना नबियन व आदमो बैन अल मा व तीन। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी भी जमा नहीं की गई थी, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाने का फैसला और नबी बना चुके थे। उसे पता ही नहीं कि वो ढोंगी किसको कहता है। शर्म करो, तारीख को पढ़ो ढंग से, अपने खुदाओं को और अपने इन डुप्लीकेट लीडरों को, अपने इन फसादी कायदीन को खुश करने के लिए कुछ नहीं मिला नबी पाक अली सलाम की जात अकदस पर तोहमत और इल्जाम। तौहीन आमेज कलिमात बोलने से पहले दो बार सोचते कि हम जिस जात पर तोहमत लगा रहे हैं। कल कयामत में पूरी दुनिया परेशान होगी, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीहि व अभी व साहिबतिहि व बनी। और सुनो, कान खोल कर, तुम भी होगे उनमें और कोई नहीं होगा बचाने वाला, सिर्फ एक साथ सारे अंबिया और तमाम के तमाम बड़े वहां पर। वयकुल आदम सफीउल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयकुल मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयकुल इब्राहीम खलीलुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयकुल इस्माईल ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا ربي نفسي نفسي, ويقول رسولنا ونبينا وهادينا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا ربي أمتي يا ربي أمتي। जब सारे लोग परेशान होंगे तो कल कयामत में ऐसे घुटने के बल झुक कर दामन अल्लाह के सामने फैला कर अल्लाह तबारक व ताला से अपनी उम्मती की मगफिरत के लिए वो दुआ करेंगे। आज तुम उनको ढोंगी बोलते हो, जिस जात ने तुम्हें पैदा किया, रिज़वी साहब कान खोल कर सुनो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया मनी के नापाक कतरे से, वो मनी का नापाक कतरा तुम्हारे बदन पर लग जाए तो जब तक तुम पानी से धो नहीं लोगे तो तुम पाक नहीं हो सकते। वो मनी के नापाक कतरे से एक खूबसूरत इंसान बनाकर तुम्हें दुनिया के सामने रखा। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, वो अल्लाह कहता है उस मोहम्मद के बारे में, इन्नकल आला खुलुकिन अज़ीम, यू आर एन एग्जॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर, ए मोहम्मद आप बेहतरीन मेयार अखलाक है पायदान पर। तुम्हारे भोंकने से या तुम्हारे इल्जाम लगाने से उसका चरित्र मनहूस नहीं हो जाएगा।
तुमने कुरान पढ़ा और कुरान करीम के अंदर कह दिया ये गलत ये गलत ये गलत। या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुमिनीना अलल क़िताल, ये गलत। फ़क्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहुम, ये भी गलत। वअअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा, ये भी गलत। उन्होंने और भी लिखे वजाहिदू फिल्लाहि हक़ जिहादी, ये भी गलत। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, औरतों के ताल्लुक से पर्दे के ताल्लुक से उन्होंने कहा यह भी गलत है। قل للمؤمنات قل للمؤمنين, ये भी गलत। 26 आयतों को निकाल कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ नहीं मारा मुंह, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मानसिक एतबार से यू आर रॉन्ग पर्सन, यू आर इल, You have a disease and lots of, तुम्हारे दिल में बीमारियों का भंडार है। 26 आयतों को लेकर आए, 50,000 रुपए का जुर्माना सर पे थोप दिया कि जाओ। ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत जी? इसमें लड़ाई की बात, इसमें मारधाड़ की बात। लड़ाई बवक्ते जरूरत, बवक्ते जरूरत कंपल्सरी है। लड़ाई कहां नहीं हुई? मुसलमानों के इंपेरर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 23-27 गजवात में गए, बुरी बात नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों में महाभारत रामायण का वजूद हुआ, भस्मासुर का खात्मा हुआ, दुर्गम राक्षस का वध करने से दुर्गे का नाम दुर्गा माता पड़ गया। जब वह अंधकासुर का खात्मा करना था तो काली का अवतार लेना पड़ा। तो बवक्ते जरूरत मुकाबला करना, जंग करना जरूरी हो जाता। आज भी चलते हैं, जंगें होती हैं। जरूरत पड़ जाए तो हमारे भारत के बॉर्डर पर अगर कोई चाइना या कोई नेपाल या कोई हमला करे तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री तो खामोश नहीं रहेंगे, वो तो अपनी मुल्क को बचाने के लिए, कौम को, समाज को बचाने के लिए कहेंगे अपने फौजी भाइयों को कि लड़ो, मुकाबला करो। उसे पता ही नहीं, वो कहता है कि नहीं, सन 2000 फला फला तक इस देश में कुरान के अहकामात नाफिज किए जाएंगे, इस देश में कुरान का फरमान नाफिज होगा, अब पूरे देश में फला के हाथ में दुनिया चला जाए, हमारा मुल्क चला जाएगा। अरे अगर कुरान करीम के अहकामात पर लोग अमल करेंगे तो कौन सा गुनाह है? कुरान में क्या हुक्म है? नमाज का आर्डर है, नमाज पढ़ना पाप नहीं है। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काम, नमाज कायम करो। नमाज के बारे में खुद तलकीन, नमाज के बारे में अलग जुबानों में, दूसरे लफ्ज में, दूसरे मेथड में थोड़ा सा चेंज करके खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा हमारे हिंदू भाई पढ़ते, उनके ग्रंथों में के अंदर मौजूद है प्रथमा दारका जीववा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनिदु संयुक्ता। कुरान में नमाज का ऑर्डर है तो नमाज को साष्टांग बनाकर वाल्मीकि रामायण में तज़किरा किया श्री रामचंद्र जी के जुबानी से। कुरान में पर्दे के अहकामात हैं, कुरान में पर्दे के अहकाम बयान किए गए तो पर्दे का हुक्म ऋग्वेद के अंदर मौजूद है, बयान किया गया। अधे पश्यस्त मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प कौ, अगर कुरान करीम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बताया गया, मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, तो मेरे भाइयों मेरे साथियों वेदात के अंदर, भागवत पुराण के अंदर, मत्स्य पुराण के अंदर, गुरु पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर बयान किया गया उनके अवतार हिनन करने वाली जात की सिफात को बयान किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर। हिंदू भाई पढ़ते हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा इस मंत्र को, श्लोक को पढ़ते हैं, ये कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं। शरीयत का मतलब बुराई से रोकना, शरीयत का मतलब शराब से जवानों को बचाना, शरीयत का मतलब सूद से लोगों को बचाना, सूद की बुराई बयान की गई कुरान करीम के अंदर। शरीयत का मतलब
इंसानियत का रिश्ता मजबूत हो जाए। शरीयत का मतलब जिना करने वाले को सजाए मौत दी जाए। शरीयत का मतलब जिना करने वाले लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर जिना करने वाले रेपिस्ट को कुरान के फरमान के मुताबिक अगर सजा दी दी जाए तो कल चलकर निर्भया जैसे वाकयात नहीं होंगे, कल चलकर बहन मनीषा जैसे वाकयात नहीं होंगे, कल चलकर आसिफा जैसी 8 साल 7 साल बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाएगी। कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया अज़ानियतु वज़ानी फजलिदू। कुरान करीम का ओपन चैलेंज फरमान है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ अयदीहुमा। चोरी करने वाली औरत और मर्द कोई भी चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाए। अगर चोर का एक मर्तबा हाथ काट दिया जाए तो दूसरा चोर चोरी करने से डरेगा। कुरान का मतलब शरीयत का मतलब अमन और शांति है। अमन और शांति को भंग करना नहीं है। कुरान और शरीयत तो समस्या का समाधान है जी, इससे मसला क्रिएट करना नहीं, इससे मसले का हल निकालना। लेकिन उन्होंने कहा ये भी निकालो ये भी निकालो। अब बताइए उन्होंने क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि मानसिक एतबार से बीमार। अल्लाह के नबी का कितना प्यारा मैसेज है ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु। इस आपके इस बस्ती में आसपास के इलाके के अंदर बिल्कुल फिट आता। हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते, आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटीज द पीपल एंड जनरेशन हेयर पाए जाते हैं। उनके लिए अल्लाह के नबी का फरमान ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु। आप मुस्लिम हैं, आपके पड़ोस में कोई हिंदू है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम देखिए कितना अच्छा। आप मुस्लिम हैं, आपके पड़ोस में कोई क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, कोई भी आदिवासी है, CST है, OBC वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी, आपने कितना अच्छा पैगाम दिया। तो आप ये मत समझना कि आई एम अ मुस्लिम आई एम अ बेस्ट, हम मुसलमान हैं बेस्ट, हमारे पीछे हमारे करीब में कोई यहूदी है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, या कोई तेली है, या कोई SC है, या कोई ST है, फला फला फला। अगर ऐसा कुछ है तो अल्लाह के नबी का फरमान है तकलीफ मत देना। अगर तुमने तकलीफ पहुंचाई, धर्म तो बात की बात है, इंसानियत के नाते तुम मुजरिम बन जाओगे। मल्ला यामनु जारुहु बवाइकहु, अ पर्सन वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुम फरमाते हैं कोई भी हो आपके पड़ोस में, वो अनेक ईश्वर को मानने वाला हो, वो पंडित दयानंद सरस्वती जी हो, या कोई भी हो, वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हो, या वो इस धरती के ऊपर वो साईं बाबा हो, कोई भी हो, हिंदू हो, ब्रह्मा को मानने वाले हो, शिव को मानने वाले हो, विष्णु को मानने वाले हो, वह आपका पड़ोसी है। अगर वह अनेक ईश्वर को मानता है तो उसका अमल उसके साथ होगा। आप अपने अखलाक से मुतासिर करो, यह नहीं कि वह हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, जैन है तो उसको परेशान करो। आपके गांव में कहीं पर 10 घर मुसलमानों का है, 1 घर हिंदू का है, तो ऐसा नहीं कि उसको डराएंगे धमकाएंगे, नहीं, जैसा आजकल के नेता चाहते वैसा नहीं करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम अ पर्सन विल नॉट इंटर द पैराडाइज हूज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रुएल्टीज। क्या जवाब दोगे वसीम रिजवी साहब इस हदीस का, जो आदमी मानसिक एतबार से बीमार हो वो डराने की बात करेगा, वो लड़ाने की बात करेगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर रहम नहीं करता, मुसलमान हो कि कोई भी हो, अल्लाह का वली हो, नहीं करता जो इंसानों पर रहम ना करे। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, कितना प्यारा मैसेज है वसीम साहब, एक मर्तबा पढ़ लेते इन मैसेजेस को, सिर्फ किताल की जिहाद की आयतें पढ़ ली, उनको निकाल लिया और एक अपने मनमर्जी अपने मनमानी, आपको मालूम नहीं है कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है।
आपको मालूम नहीं कि इस देश में आप मोहरा बन चुके हैं बातिल ताकतों का, उन लुटेरों का जो कुर्सी पर बैठकर इस देश के अंदर फसाद और मासूम इंसानों का खून बहाना चाहते। आपको मालूम नहीं, आप पढ़ो नबी की सीरत को, उस नबी के सीरत में आपको मिलेगा ला इरहमुल्लाह मन ला इरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता है इस जमीन पर इस धरती पर जो दूसरे इंसानों के ऊपर रहम और करम का मामला जिसका ना हो। अल्लाह सुबहानहु व तआला doesn't show the mercy on those on whom and don't show the mercy towards the human beings on the earth। यकीन ना हो तो पढ़ो, हमारी तकरीरें सुन लो, मौलानाओं की तकरीरें सुन लो, हमारे अकाबरीन की तारीख पढ़ो। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को लोगों के सामने रखकर पूरा क्लियर और ओपन किया है कि मोहम्मद न तो मानसिक एतबार से बीमार थे और न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ढोंगी थे, बल्कि वो तो खैर ख्वाह थे, मानवता के इंसान के भलाई के लिए, इंसानों को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। लेकिन नहीं जनाब, हमारे नौजवानों को भी मैं बताता हूं, क्या आप उनकी तकरीर से मरूब होकर मुतासिर होकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलाना वसीम रिजवी एंड ही इज अ मुस्लिम पर्सन एंड ही चैलेंज द कुरान एंड ही सेड टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं मोहम्मद के बारे में, कौन जवाब देगा? मेरे भाइयों, आपको खड़ा होना होगा, अपने अखलाक को इतना मजबूत करो। आज की तारीख में दो काम जरूरी हैं करने के। सबसे पहला काम तो ये कि अखलाक के एतबार से अपने आप को इतना मजबूत करो। नौजवानों, साथियों, मुसलमानों, क्या आपके अखलाकी मैयार को देखकर दूसरे भी आपके कदमों पर आकर गिरने पर मजबूर हो जाए? अगर कोई इल्जाम लगाता है कि नहीं मौलाना मोहम्मद ने इस्लाम को, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने इस्लाम को अपने ताकत पर, अपने बाजुओं के बलबोते पर डरा कर, धमका कर एक्सेप्ट करवाया था, तो आप उनको बताओ कि आपका कंसेप्ट और आपका अकीदा और आपकी सोच और आपकी नॉलेज गलत है। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डरा कर, धमका कर किसी को कुरान की तालीम नहीं दी, इस्लाम का परचम बुलंद नहीं हुआ, बल्कि बुलंद अखलाक मैयार बहुत इतना ऊंचा कि दुश्मन एक मरतबा आते तो देख करके दीवाने हो जाते थे, आशिक बन जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन उन्होंने क्या कहा जी, अभी एक एंकर साहब पहुंचे ना मौलाना अरशद मदनी के पास, मौलाना अच्छा ये बताइए तो आपके मोहम्मद तो वाकईतन जिहादी थे, आपके मोहम्मद तालिबान थे, ऐसा बोलते हैं, जोड़ देते हैं फौरन। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह न तो जिहादी थे, न तो तालिबानी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह न तो क्रूर थे, न तो जालिम थे, बल्कि वह कौन थे? वह सादिक थे, वह रहमतुल्लिल आलमीन थे, वह अमीन थे, वो इस दुनिया के जगत गुरु थे। यूं ही नहीं कहा गया जगत गुरु, अष्टो गुनाहा पुरुषम दीपयंती, अष्टो गुनाहा। वसीम रिजवी साहब एक किताब पढ़ लिया आपने तो आपने इल्जाम लगाए कि मोहम्मद ऐसे मोहम्मद वैसे, लेकिन पढ़ो कहाँ? सुरियानी जुबान पढ़ो, तिबरानी जुबान पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबल पढ़ो और इंसाइक्लोपीडिया पढ़ो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ भारत, इंडियन इंसाइक्लोपीडिया, तारीख इब्न खुलदून, तारीख फरिश्ता, तारीख इब्न हिशाम, उठाओ नबी पाक अलैहि सलाम का तज़किरा ओपन एंड क्लियर, द हंड्रेड पढ़ो, क्रिश्चियन राइटर की लिखी हुई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा साफ साफ लफ्जों में क्लियर और ओपन तौर, कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं, कहीं पर भी कोई ऐसा लफ्ज निकाल ही नहीं सकता कोई माए का लाल, दिखाए मुझे। आओ वसीम रिजवी, मैं तो चैलेंज करता हूं कि एक तरफ तुम आओ, वही कुरान हदीस लेकर आएंगे, मैं कुरान और हदीस तो तुम्हारी किताबों के अंदर मोहम्मद के पाक सिफात का तज़किरा। वल्लहु ज़ंजमेन दे और दन वोन मदीना, सुरियानी और तिबरानी जुबान में वल्लहु ज़ंजमेन दे और दन वोन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुरियानी जुबान को तुम गलत कहोगे, तिब्रानी जो पुरानी जुबान है उसको गलत कहोगे, वहां नबी पाक अली सलाम का तज़किरा मौजूद है। वरफाना अलका ज़िक्र, एक कुरान एक हदीस लेकर उठाकर आ गए। हमारी क्या गलती? गलती तो उनकी है, वो समझ नहीं पाए ना कुरान को ना हदीस को। बस देखा उन्होंने जाहिरी तौर पर इसमें क्या लिखा है, ओहो इसमें लिखा है कि कत्ल करो, इसमें क्या लिखा है वह आयदुल मस्तातुम, तैयारी करो जिहाद की। फौरन उसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा अभी, बवक्ते ज़रूरत मेरे हिंदू मेरे मुस्लिम भाइयों, बवक्ते ज़रूरत तलवार उठाना, अपने देश की अपने धर्म की अपने भूमि की अपने गांव की समाज की रक्षा के लिए, ये बल्कि योद्धाओं का काम होता है और ज़रूरत पड़ने पर उठाया है। एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवार उठाई तो दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी ने भी तलवार उठाई, एक तरफ खुलफाए राशिदीन ने भी मैदान जंग में गए तो दूसरी तरफ श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया। वो एंकर साहब आकर मौलाना को घेरने की कोशिश करते, मौलाना आपके मोहम्मद तो इतनी जंगों में शरीक हुए तो इसका मतलब जंगी थे, जंगबाज थे मोहम्मद। तो हम यही कहते हैं, हजरत ने तो अपने एतबार से उनको समझाया, हम भी ये कहते हैं कि बाबू तुमको समझ में बात नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ में? देखो नबी पाक अली सलाम किसी से जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर जंग करते तो 13 साल तक मक्का में रहे। नबी के बाजुओं में ताकत थी कि नहीं थी? इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी, कहा जाता है रिवायतों में आता है कि 10,000 जवानों की ताकत आपके बाजुओं में थी। रुकाना उस वक्त का अंडरटेकर एक मरतबा उठाकर पटक दिया था, 3-3 मरतबा उस वक्त का खली उनको, तो ताकत लेकिन नहीं किया आपने, आपने किसी के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा आपने नहीं किया। जंगे बद्र अबू जहल की अकड़ की वजह से, जंगे उहद अबू जहल के मौत के बाद बदला लेने की वजह से, गजवाए खंदक गजवाए हुनैन गजवाए ज़ातुर्रिका, मेरे भाइयों मेरे साथियों कैसे फतह मक्का, ये क्यों हुए किस लिए हुए? नबी पाक अली सलाम ने किसी भी जंग के लिए ऐसे नहीं कि मोहम्मद लोगों को कहा उठो फला कबीले में जाकर हमला करना है, नहीं, उस कबीले वालों ने गद्दारी की नबी के साथ गांव के साथ समाज के साथ, तो आप उसको सबक सिखाने के लिए उसको उसकी गलती की सजा देने के लिए पहुंचते थे। और नबी ने किसी भी बच्चे का बूढ़े का किसी भी औरत का औरत के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाया। इससे पता चलता है अपने गांव समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जंग की जा सकती। उस वक्त जैसे जंग की गई, इंपेरर ने उस वक्त मुस्लिम बादशाहों ने हिंदू महाराजाओं ने जंग की। मेरे भाइयों अगर नहीं की, मैंने आपके सामने गीता पढ़कर सुनाया, आप कुरान करीम पढ़िए, कुरान करीम की पहली आयत पहले सूरत की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। पूरी सूरत में कहीं पर भी जंग की बात कही गई? नहीं कही गई। कहीं पर भी धर्म की बात कही गई? ताकीदन नहीं कही गई। अल्लाह की इबादत करते हैं, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है। ए ईश्वरा हमें तुम्हारी तो पाप नाशक अनंत तेज वंदना, हम तेरी वंदना करते हैं। ए ईश्वर हमें तू सीधा रास्ता बता दे, ये पैगाम सूरह फातिहा में है। अलिफ लाम मीम पढ़िए, दूसरी सूरत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। आप पढ़ते चले जाइए, कहीं पर भी आपको जंग की बातें नहीं मिलेंगी। पूरी सूरत पहली दूसरी सूरत एक रुकू तक पढ़ो, कहीं पर भी जंग की बात नहीं है। अगर एतराज करना है, ये मैं पूछना चाहता हूं इस एंकर से, ये इस न्यूज के रिपोर्टर से, क्या आखिर साबित करना चाहता है? उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी कुछ दिनों में
कुछ बातें होने वाली, इसीलिए यहाँ पर लड़ाना चाहते, दंगा फसाद करना चाहते। तुम्हारी इस गलत नीयत में अब्दुल्ला सालिम तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा, हमारे मुस्लिम विद्वान तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि जो सदियों पुराना प्यार मोहब्बत है उसको टूटने नहीं देंगे। हम तुम्हें बताएंगे क्या हो, देखो तुम्हारी ये न्यूज एंकर की ग्रंथ उठाइए, उस न्यूज एंकर के ग्रंथ में हमारे हिंदू भाइयों बकदरे जरूरत तलवारबाजी, तलवार उठाना जायज है। कुरान में कहीं पर भी पहली आयत में पहली सूरत में जंग की बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में वसुदेव सुतम देवम कंस चानोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरुमा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्समः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत संजया। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला मंत्र के अंदर जंग की बात कही गई। अगर कुरान की पहली सूरत में जंग की बात होती तो ये टीवी वाले तो पता नहीं सर पर उठा लेते कि कुरान में जंग और पहली आयत में, ये देखो कुरान में जिहाद, पहली आयत में जिहाद का पैगाम है कि नहीं। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है, वो भी जरूरत के वक्त। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला मंत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म और अधर्म, कुरुक्षेत्र जंग का मैदान, समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चै किं कुरुवत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय मुझे बताओ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड बिटवीन माय सन्स, मेरे बच्चों के बीच में हस्तनापुर में क्या हो रहा है। ये संजीव कौन था? ये संजीव मीडिया वाला था, जैसे आज की तारीख में एबीपी वाले, आज तक वाले, इंडिया टीवी वाले, सुदर्शन न्यूज वाले, रिपब्लिक भारत वाले, अब नहीं कहते। पूछो ना, पूछो अपने वसीम साहब से कि वसीम साहब कुरान की तो पहली सूरत में कहीं जंग नहीं है लेकिन हमारी गीता में तो है। कौन है कि पूछता है भारत, पूछता नहीं, वो सोता है, भारत बन गया है आज की डेट में। नहीं पूछेंगे, पूछना चाहिए। हाँ मैं ये कहता हूं कि गलत नहीं है, गीता में जो है वो गलत नहीं, लेकिन अगर यही पैटर्न कुरान में होता, शुरू से ही जंग की बात होती तो उसको पता नहीं कब के जहां पे भी मिलता वो जला देते। लेकिन नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे मंत्र में क्या लिखा, एवमुक्तवा अर्जुन असंख्यो रथोपस्थो पवाविशत शोक संविघ्न मानसा विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। एक तरफ कौरु, एक तरफ पांडु, पांडु में अर्जुन, अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने मेरे भाई लोग, मेरे चचा, मेरे ताऊ हथियार डाल देते, एंड दे डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज एरोज एंड बोरोज एंड सिट डाउन बिहाइंड हिज मोटरसाइकिल। वो अपने मोटरसाइकिल, जंग के मैदान में जो भी घोड़ा था मोटरसाइकिल था, पीछे बैठ गए कि नहीं हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, मैं कह रहा हूं ना कि बकदरे जरूरत जंग करना जरूरी हो जाता। कृष्ण जी नमोदार होते, कृष्ण जी सातवें और आठवें अवतार ईश्वरा परमात्मा के, वो नमोदार होते, वो कहते हैं मुक्तमार्जुन संख्यो रथोपस्तुपाविशत, अर्जुन मुक्ति चाहते हो और ऐसे ही बैठ कर बुजदिल बनकर नहीं, कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्वो विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुना, बिना मेहनत किए हुए अधर्मियों के खिलाफ लड़े बगैर तुम जन्नत जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, इम्पॉसिबल। किले पार्थना तत्वते शुद्रम हृदय दौर बल्यम, बाजुओं को मजबूत करो, तलवार उठाओ और मुकाबला करो इन कौरवों का, इनका दमन करो। कौन कह रहे? अर्जुन कह रहे। जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह सकते हैं गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात का तज़किरा हो सकता है, तो अगर हमारे कुरान में अगर अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी क़िताल के ऊपर लोगों को उभारिए, वअय्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, दुश्मनों के लिए तैयारी कीजिए, वो दुश्मन जो आपके इलाके में, जो आपके गांव समाज को ख़त्म करना चाहते हो, तो इस पर तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जालिम जाबिर क्रूर पर्सन होते,
अगर डिक्टेटरशिप इनके अंदर होती, कर फर के मानने वाले होते, तो 13 साल तक नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। आपके सहाबा को, सहाबिया को बीच से चीरा गया, आपके सहाबा के कमर को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, आपके सहाबा की आंखें निकाली गई, आपके सहाबा के ऊपर जुल्म ज्यादती की गई। उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन करते थे। दुनिया वालों और खुसूसन वसीम रिज़वी लानहुल्लाहु अलैक अल्फ अल्फ मर्रात, तुझ पर अल्लाह के तरफ से हजारों करोड़ों लानत नाज़िल हो। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह या तो इसको हिदायत दे दे, या ऐसे जालिम को जो फसादी हो, जो लुटेरा हो, अपने भारत के अमन शांति को भंग करने के लिए जो अपने ईमान को, अपने आस्था को, अपने अकीदे को बेच चुका हो, अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए जो एक बड़ी मेजोर एक बड़े तबके के दिल को ठेस पहुंचाते हो। ईज़ाउल मुस्लिम हराम, किसी को तकलीफ देना हराम है, हराम है। अल्लाह या तो उसको हिदायत दे या उसको इस जमीन से नेस्त नाबूद कर दे। हमारे भारत में ऐसे फसादियों और ऐसे लुटेरों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये है नबी की सीरत। वो नबी अना खातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाले। औरतों के लिए एक पैगाम देकर आए। इल्जाम लगाते ना वो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जी 11 शादी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर 11 शादी की तो कोई गुनाह है? उनके अंदर हिम्मत थी, सकत थी तो की, 11 शादी की तो गुनाह हो गए। उन्होंने कहा कि औरत के शौकीन हो गए। अब जिन्होंने 300 शादी की, 300 भी शादी की है ना, 305 शादी की, किसने? राजा भूपेंद्र सिंह ने। यही कहाँ के? ये पटियाला, अभी बहुत पहले का समय। यही राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस बुग्गी पर बैठकर, जिस तांगे पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट गए थे, वो तांगा राजा भूपेंद्र सिंह का था। और उन्होंने कितनी लड़कियों से शादी की? 305। और इतने बड़े अय्याश थे, मतलब औरतों के शौकीन थे वो, कि वो कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरीज, बड़े बड़े पूरी दुनिया से डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को बुला कर रखते थे। अगर उनकी इच्छा होती थी कि ये औरत इस शेप में होनी चाहिए, इसकी नाक ऐसी होनी चाहिए, इसकी आँखें ऐसी होनी चाहिए, तो वो अपने उन डॉक्टर और साइंस विद्वानों के ज़रिए, साइंसमैन के ज़रिए से वो उस औरत का वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करता था। अगर औरत का शौकीन कहना है तो पहले इनको ना बोलते जी, राजा भूपेंद्र सिंह को इनको नहीं बोले। चलो इनको छोड़ो, इनको बोलो ना मिजोरम का मुखिया, 94 बीवी 63 बेटे 39 बेटी। जब मरा उसके इंतकाल के वक्त में 94 बीवी थी उसकी। अब पता, उसने अपने घर में स्कूल, अपने गांव में स्कूल बनाया था, दूसरे के बच्चों के लिए नहीं, अपने ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लड़के और लड़की के लिए स्कूल बनाया था खुद से, अपने बच्चों की तालीम के लिए। अगर औरत का शौकीन बोलो तो इनको बोलना चाहिए, ये मुखिया जी के लिए। भाई उन्होंने की शादी, उन्होंने शादी की। ऐसे तो महापुरुष महात्माओं ने की। श्री रामचंद्र जी के 3 माँ माताएं, राजा दशरथ ने 3 शादी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और कौशल्या कैकेयी के कहने पर ही वनवास गए थे। ये सरजू नदी आपके करीब, आज हमने देखा इस सरजू नदी को, इसी सरजू नदी के करीब से जब वो गुजर रहे थे रात को 14 साल का वनवास काट के, तो दिए जलाए गए थे। और उसी दिए को, उसी दीप को आज की तारीख में दीपावली का नाम दे दिया गया। वही तारीख है ना, 3 अम्मा थी राजा दशरथ की, 3 बीवियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो इसका मतलब है कि आप राजा दशरथ को औरतों का शौकीन कहोगे? वसीम रिजवी साहब, जबान काट लिए जाएंगे तुम्हारे। वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मानने वाले जो अमन परस्त होते हैं। वो कभी भी ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाएंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन वो कभी भी तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। वैसे तो श्री राम, श्री कृष्ण जी ने 1623 शादी की बीवी रखी, तो क्या आप उनको कहोगे वो औरत के शौकीन थे? वो तो छोड़िए, राजा महाराजा चित्रकेतु, भागवत पुराण में
बहुत बड़े महाराजा गुजरे हैं, उनकी कितनी बीवियों का तस्करा मिलता है भागवत पुराण में? 1 करोड़ बीवी का तस्करा मिलता, 1 करोड़। अंगरा, हाँ, बच्चे कोई नहीं थे उसके, 1 करोड़ बीवी थी, बच्चे नहीं होते थे। बड़े कंफ्यूज थे कि 1 करोड़ बीवी, बच्चे के चक्कर में 1 करोड़ बीवी कर ली उन्होंने। जैसे कभी हमारे यहां होता है ना कि शादी हुई, शादी के बाद 1 बच्चे 2 बच्चे, बेटी हो रही बेटी हो रही, आदमी बेटे के चक्कर में आबादी बहुत बढ़ा देता है। तो ऐसी महाराजा चित्रकेतु जो थे उन्होंने संतान के चक्कर में 1 करोड़ शादी कर ली, भागवत पुराण में आता है। तो उसके बाद फिर अंगरा ऋषि से मुलाकात हुई, अंगरा ऋषि ने कहा कि तुमको संतान चाहिए, ये काम करो। पहली बीवी को बुलाते हैं तो उनके बाद कुछ मंत्र तंत्र कुछ जप तप करते हैं, उसके बाद तब उनको एक संतान, तब उनको एक बेटा पैदा होता है। तो इसका यह मतलब थोड़ा है कि आप भाई अंगरा ऋषि राजा चित्रकेतु को यह कहो कि वह औरतों के शौकीन थे, इसका तो यह मतलब बिल्कुल नहीं होता। समझ से बाहर की बात है, क्या बोलोगे, औरत के मकाम और सम्मान को तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुमको खुद डिवोर्स देकर के भाग गई। ये वसीम रिजवी का पूरा परिवार इनको बायकॉट कर चुका है, बस फेमस होने के लिए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं इस सीरतुन्नबी के जलसे से, मेरे मुस्लिम भाइयों, बहुत ही नाजुक वक्त आपके इस उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में आने वाले, सोच समझ कर सही फैसला कीजिएगा, किसी के कहने पर किसी के बहकावे पर या आपके थोड़े से मुंतशिर होने से या आपके बहकने की वजह से वो फिरका परस्त ताकतें कामयाब हो जाते हैं जो देश को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जो अपनी डिक्टेटरशिप और तानाशाही करना चाहते, जो औरत को सम्मान देना नहीं जानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, मैं बताता हूं सुनना कान खोल कर, 11 शादी की। पहली शादी कब हुई रिजवी साहब? 25 साल की उम्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और जब आपने पहली शादी की, वो भी निकाह का ऑफर आपके तरफ से नहीं था बल्कि उस खातून के तरफ से था। उस खातून की उम्र 40 साल थी, उनका नाम बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। 40 साल उम्र है, मुअम्मर है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी हैं, बच्चे भी साथ में थे, लेकिन निकाह का पैगाम दिया जाता है। हजरत ख्वाजा अबू तालिब निकाह पढ़ाते, जवान थे मोहम्मद, यंग ब्लड, शबाब, पूरे शबाब पर नबी पाक अली सलाम थे। और जब है कोई माए का लाल बताए कि जब आदमी जवानी पर होता है तो वो 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह कर सकता है, वो भी 2 मरतबा बेवा हो चुकी हो, है कोई दुनिया के किसी माए के लाल की ये तारीख बताए, मुझे दिखाए। यू आर नॉट एबल टू शो मी वलन तफालो, तुम कयामत की सुबह तक नहीं दिखा सकते। लेकिन नबी पाक अली सलाम पर कुर्बान जाओ, वो इंसान अपनी जिंदगी की अपनी फायदे के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हें और हमें कामयाब करने के लिए आए थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुभानहु व तआला अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न, खूबसूरत रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। 25 साल की उम्र का नौजवान एक बूढ़ी औरत से निकाह हो जाता है, और 25 साल से लेकर 54 साल तक नबी पाक अली सलाम ने उसी बूढ़ी औरत के साथ अपनी पूरी जवानी बिता दी। जो औरत का शौकीन होगा, क्या वो एक शादीशुदा औरत के साथ पूरी जवानी बिताएगा? नहीं, उसके तो दासी बहुत होंगे, जैसे राजा भूपिंदर सिंह के थे, उनके तो बहुत सारे होंगे, जैसे महाराजा हमारे यहां के मिजोरम के महाराजा का था। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी जवानी बिता दी। आप अली सलातो वस्सलाम ने, एक 54 साल की जब उम्र हो जाती है तो एक 40 साल औरत के साथ निकाह करके पूरी जवानी को बिताते। उसके बाद आपने फिर कितने से शादी की, कुमारी कितनी थी? 1 कुमारी थी, अम्मा आयशा, 9 साल की उम्र में निकाह हो जाता। बहुत से लोग ये भी एतराज करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की छोटी बच्ची को निकाह में लाए। हमारे भारत में बच्चियां, शरीय एतबार से 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती, भारत
यहाँ के आब हवा ऐसे। आप इंडोनेशिया चले जाएं, वहाँ 14 साल की उम्र में बालिग होती। आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ 13 साल की उम्र में बालिग होती। दूसरे मुल्कों में चले जाइए, आप चले जाइए स्पेन, यूक्रेन, वहाँ 18 साल की उम्र में शरीय एतबार से लड़कियाँ बालिग हो जाती। आप हवा के एतबार से कभी कभी छोटा बच्चा भी बड़ा दिखने लगता। तो अरब का आप हवा एनवायरमेंट एटमोस्फियर गर्म है, जिसकी वजह से 9 साल की उम्र में ही काफ़ी वहाँ की सेहतमंद लोग दिखते हैं। इसलिए 9 साल की उम्र में निकाह हो गया तो कौन सा जुर्म हुआ? एक शादी की आपने एक कुंवारी औरत से, कुंवारी लड़की से, कौन? अम्मा आयशा। दूसरी शादी आपने, फिर बेवा, फिर तीसरी शादी, फिर बेवा, उसके बाद सारी कोई बेवा है, कोई मुतल्लका, कोई बेवा है। बेवा औरतों से आप अलैहिस्सलाम ने शादी की, गरीब से शादी की, मालदार से शादी की, बूढ़ी से शादी की, जवान से शादी की, कुंवारी से शादी की। क्योंकि पता है, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, चूँकि इंसान जब रिश्ता करता है या तो कुंवारी से करेगा, अगर कुंवारी से रिश्ता करेगा, अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर कुंवारी से रिश्ता किया, उसकी बीवी कुंवारी थी तब उसने शादी की, तो अब ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? तो उसको ज़िंदगी गुजारने में ज़रूरत पड़ेगी तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा आयशा की ज़िंदगी उठाकर देख ले। अगर कोई आदमी जवान है, उसकी शादी ही हुई किसी बेवा औरत से जिसकी उम्र 30 साल या 40 साल, वह उस बेवा औरत के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? तो वह अम्मा आयशा, नबी पाक अलैहि सलाम और अम्मा खदीजा की ज़िंदगी उठाकर देख ले। अगर कोई किसी आदमी का निकाह होता है हम उम्र औरत से, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी उठा कर देख ले। अगर किसी आदमी का निकाह ऊंचे ख़ानदान में हो जाए तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? ऊंचे ख़ानदान में करोड़पति की बेटी से निकाह हो जाए तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? तो मोहम्मद की ज़िंदगी और हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी, हज़रत उम्मे सलमा की ज़िंदगी उठा कर देख ले। अगर कोई आदमी जवान है, बहुत ज़्यादा उम्र दराज से शादी हो जाए तो हज़रत नबी पाक अली सलाम की ज़िंदगी, हज़रत सौदा की ज़िंदगी उठा कर देख ले। अगर कोई आदमी करोड़पति है, किसी गरीब बच्ची से उसका निकाह हो जाए तो कैसी ज़िंदगी गुजारेगा? तो हज़रत नबी पाक अली सलाम की ज़िंदगी, हज़रत मैमूना की ज़िंदगी, हज़रत जवेरिया की ज़िंदगी उठा कर देख ले। आपने मालदार लड़की से भी आपने निकाह किया, अपने से बड़ी उम्र की लड़की से, बेवा से शादी की आपने, आपने तेज मिजाज वाली औरत से भी आपने निकाह किया है। आज हमारी माएँ बहनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग होती, बाएं पसली से पैदा की जाती हैं, वो थोड़ी टेढ़ी होती। तो सारी तकरीबन आज की तारीख में 75% हमारी समाज की माओ बहनों के दिमाग में तेजीपन है। तो तेज औरत, तेज दिमागी औरत अगर उसकी बीवी बन जाए तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो हजरत हफ्सा और मोहम्मद की जिंदगी उठाकर देख ले, क्योंकि हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिमाग में तेजी था, गर्म मिजाज थी, छोटे छोटे बात में गुस्से हो जाया करती थी, नाराज हो जाया करती थी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके साथ भी जिंदगी बिताई। वसीम रिजवी, तुम इन हिकमत को नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पर्दा पड़ गया है, तुम्हारे अकल के अंदर तुमने अंधभक्ति का चश्मा लगा लिया है। तुम उठा कर देखो तो पता चलेगा कि आप अली सलाम ने अगर 11 शादियां की तो इन 11 शादियों का कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई गर्ज रहा है इस दुनिया के अंदर। हमारी समाज के माँ और बहनों, दूसरों को आज एतराज होता है हम पर, आपके ऊपर कीचड़ उछालने की, इसलिए आज मौका आप देते, आप मौका उनको देते। इतना अच्छा मजहब छोड़कर, इतने अच्छे नबी की उम्मती होने का शर्फ आपको है, वो छोड़कर हमारे नौजवान जो आपकी गैर कम्युनिटी के होते हैं, आप उनके पैसों को देखकर, आप उनके दौलत को देखकर, आप उनके हाथ में जाकर अपने ईमान का सौदा कर लेते। मेरी माँ और बहनों, हमारे हिंदू भाइयों, समाज के मुसलमानों और समाज के हिंदू भाइयों, एक मंत्र मैंने पढ़ा था, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः। इंसान महान बनता है उसके माँ बाप अगर सही जगह पर। आज हमारी बेटियां क्यों बिगड़ रही, आज हमारे बेटे क्यों बिगड़ते? क्योंकि हम ठंडे पड़ गए, हम जो जिम्मेदार तबके के लोग हैं,
हमारे जो नौजवान तबका है बिगड़ रहा है, मोबाइल यूज करते हैं, रातों को दो दो बजे तक पोर्न वीडियोज देखते हैं, रातों को व्हाट्सअप चलाते हैं, रातों को फेसबुक चलाते हैं, कई कई बजे तक चलाएंगे, मना नहीं करेंगे। मना कीजिए आप, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती। कहां गए वो बच्चे जो बचपन से ही हाफिज कुरान हो जाया करते थे? कहां गई वो औरतें जो अपने काम करते करते कम से कम एक एक पारे का तिलावत कर लिया करती थी, काम करते करते हाफिजा होती थी? आज वो चीज नहीं, आज मोबाइल ने जन्म ले लिया हाथों में, जगह ले लिया मोबाइल ने। कोई भी काम करो, खाना बन रहा है तो मोबाइल, बेपर्दगी इस मोबाइल के रास्ते से आपके बीच आया और इस बेपर्दगी की वजह से आप अग्यार के हाथों में अपने ईमान को बेचते। वो कहेगा कि डू यू लव मी माई स्वीट हार्ट, आप फौरन फरेफ्ता हो जाते। आपको एक मोबाइल गिफ्ट दिया, इट्स फॉर यू। वाह, आप कहते हैं कि हमारा राजकुमार मिल गया। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो आपको पीछे से लात मारकर भगा देगा। आपको कीमती ईमान को आप बेच रहे हो, दूसरों के बहकावे में आकर नहीं। एक बात याद रखना, आपने बिना अपने अपने कम्युनिटी शरीयत इस्लाम के हम मुकल्लफ हैं, लेकिन शरीयत इस्लाम पर अमल करने के लिए आपको भारत का संविधान नहीं रोकता। अगर किसी भी अखियार से हमारे बच्चे शादी कर लेते हैं तो मेरे समाज के माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला कल कयामत में आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो रहा था तो आपने क्या किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती। हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं क्या बस हम कामयाब हो गए। नहीं, अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर आपका बच्चा पेशानी नहीं झुकाता है अल्लाह के दरबार में, तो आप पहले पूछे जाएंगे। और खुश नसीब होता है वो माँ और वो बाप जो दीनदार होते हैं। मात्रमान प्रशस्ता विदिति धार्मिकी, कि जो माँ बाप धार्मिक होते हैं, जो माँ बाप दीनदार होते हैं, वो अपने बच्चों को दीनदार बनाते। हमारे माँ बाप ही दीनदार नहीं, हमारे माँ बाप ही अपने बच्चों को कहते सीख जाएगा मौलाना, आगे चल करके सीख जाएगा। ऐसा कहीं ना हो कि वो बच्चा इतना इतना मुर्तद हो जाए, इतना दीन से वो बच्चा बेखबर हो जाए कि कल आपकी मौत हो जाए और आपकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए चप्पल खोलना गवारा ना हो। किसी जमाने में एक जगह हम गए तो एक जेंटलमैन खड़ा, हमने कहा भैया नमाज पढ़ लो जनाजे की, उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी चप्पल चोरी हो जाएगी, जेंटलमैन जूतियां चोरी हो जाएंगे उनकी, इसलिए वो खड़ा रहा गेट पे। हमने कहा कि नमाज पढ़ लेते, आपके गांव के ही है मैया? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे गांव के नहीं, ये हमारे अब्बा मोहतरम। कहीं ऐसा ना हो जाए, हंसने का नहीं, गौर करने का मकाम। बच्चा बिगड़ता है तो आपकी उस पर, और बच्चा जलकर आगे चलकर वालिदैन के सर पर अगर बांस और डंडे मारता है तो उसके भी जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं। वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने अपने अहकाम के साथ साथ माँ बाप का हुक्म पांच जगहों में कुरान में बयान किया। आप वली बन जाए, आप फकीह बन जाए, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, लेकिन अगर आपका माँ बाप आपसे नाराज है तो दुनिया में आप कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद जन्नत का टिकट आपको नहीं मिल सकता। एक बात कान खोल कर सुन लो, वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वहमलतहु उम्मुहु अला वहनन वहनन अला वहनिन। वो परेशानी में भी आपको अपने सीने से चिमटा कर दो साल तक दूध पिलाती। ये फजीलत, ये चीजें कौन बयान करेंगे? माँ बाप बयान करेंगे, लेकिन हमारे माँ बाप पहले ढीले पड़ जाते हैं, बच्चों की सही रहनुमाई रहबरी नहीं करते, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे चलकर आपको डंडे मारकर घर से बाहर निकाल देता। तो पहले जिम्मेदार आप हैं, पहले मुजरिम आप हैं। हमारे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे इलाके के इलाके को बदल दिया करते थे। अभी मैंने आपके सामने में तारीख रखी कि 20 नवंबर 1750 में एक मुजाहिद पैदा हुआ। ये मुजाहिद कैसे बना था, बात बता देता हूं, याद रखिएगा। ये मुजाहिद यूं ही नहीं बने थे, ये मुजाहिद बने थे
अपने बाप की सही परवरिश इनके पीछे थी। इनका बाप एक सिपह सालार थे, इनके अब्बा मोहतरम एक मुजाहिद थे। इन्होंने देखा कि इनके दो बेटे करीम और फतेह अली खान, टीपू सुल्तान, ये दोनों बच्चे इनके बाद इख्तदार पर आएंगे, तो इनको शेर बनाना, इनके कलेजे को 1.5 किलो करना जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इनके अब्बा ने कभी भी बातिल के सामने सर झुकाना नहीं सीखा, बल्कि कैद हो गए, मुकैद कर लिए गए। हैदर अली टीपू सुल्तान के अब्बा मोहतरम का नाम हैदर अली है, मुकैद हो गए और अपने बेटे को भी साथ लेकर गए कैद खाने में। कुछ दिनों के बाद इनके अब्बा को जिला वतन कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता। ये दो मासूम बच्चे 10-10 साल की उम्र थी, टीपू सुल्तान की 10 साल की उम्र थी और उनके छोटे भाई करीम की उम्र 5 साल की उम्र थी। लेकिन निकले कैद से कैसे, तो एक लकड़ी, एक लोहे का रॉड लेकर, एक लोहे की कोई चीज उनको मिली वहां पर, तो उस दीवार, उस सलाखे को काटते काटते 10-15 दिन, 20-25 दिन लगे, वहां से निकल गए अपने भाई को कंधे पर डालकर। ये तलकीन किसकी की हुई थी, ये जुरात, ये बहादुरी का किसने पैगाम दिया था, उसके दिलो दिमाग के अंदर उसके बाप ने दिया था। बाप मुकैद हो गया, कैद हो गया, उसने कहा कि बेटे दोनों मिलकर रहना जिंदगी के अंदर, और तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया बागी हो सकती है, तो पूरी दुनिया बगावत में उतर सकती है, लेकिन उस एक अल्लाह की नाफरमानी उनको कभी भी अपनी जिंदगी में आने मत देना। उस अल्लाह की ताकत को महसूस करना, जब परेशान हो जाओ, गिर जाओ परेशानी में, तो उस अल्लाह से मांगना, वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बच्चा था, मासूम था, पूरे दिलो दिमाग में वो ताकत, वो तकरीर घर कर गई। और फिर यही बादशाह, यही टीपू सुल्तान जब बादशाह बनता है, 1779 में इसके अब्बा का इंतकाल हो जाता है, तो कुर्सी इख्तदार पर बैठकर जालिम अंग्रेज के गले का हड्डी बन जाते हैं। पूरे भारत में चारों तरफ कब्जा, बंगाल में अंग्रेज का कब्जा, बिहार में अंग्रेज का कब्जा, नवाब सिराजुद्दौला से जंग हुई, 1755 में उस बंगाल को जीता, 1765 में पुलासी की जंग, बक्सर में वहां पर लड़ाई होती, उस मैदान को जीत जाते, अंग्रेज हमला करते, कब्जा करते करते पूरे भारत के ऊपर काबिज हो गए। बिलआखिर एक मुजाहिद, एक शेर, उनको हमेशा खत भेजता था अंग्रेज, टीपू सुल्तान हमारे साथ हाथ मिला लो, हमसे हाथ मिला लो, हमारे पास आ जाओ, हमसे सुलह कर लो, हमसे अलायंस कर लो, तुमको दे देंगे 15-20 सीट, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा कि यू आर मुशरिक, यू आर डिसबिलीवर, यू आर पैगन, तुम अल्लाह के दुश्मन हो और हमारे मुल्क के दुश्मन हो, मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकता। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, बाप की तरबियत थी कि किसी के सामने झुकना नहीं। टीपू सुल्तान सुल्तान यूं ही नहीं बने, बल्कि बाप की तरबियत थी, इनकी मां की तरबियत थी, जिसकी वजह से इनको शेर का खिताब मिला। जब चारों तरफ से घेर लिए जाते, तो इनका एक बहुत बड़ा जनरल स्पेशली ब्रिटिश से मंगाया जाता है, उस ब्रिटिश साम्राज्य के बैनर तले से वो एक बहुत बड़ा कैप्टन, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, उसने कहा कि टीपू सुल्तान को ऐसे मात नहीं दे सकते, ऐसे मात नहीं दे सकते, इसके साथ दुनिया की भी ताकत है और इसके साथ सुपर ताकत भी है, सुपर मतलब अल्लाह की भी ताकत इसके साथ है, ऐसे मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्या करना, कहा कि इनके आसपास में कितने राजा महाराजा, कहा कि दक्कन में निजाम है, पूरब में तो हम हैं ही, और इधर इसके बाएं तरफ में नवाब मोहम्मद अली, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, लेकिन ये मलऊन थे, ये मुजरिम थे, ये चापलूस थे, गुलाम थे, कलीमा उनका पढ़ते थे, खाते अपने मुल्क के थे, गुलामी उन करप्ट लोगों की करते थे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, टीपू सुल्तान को लिख भेजा, टीपू सुल्तान ने कहा ए अंग्रेज, मैं तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी, मैं श्रीरंगापट्टनम में तुमको जगह नहीं दूंगा, तुमने और कब्जा तो कर लिया, मेरे साथ अगर निजाम दक्कन आ जाए, मेरे साथ नवाब मोहम्मद अली का जाए, या मेरे साथ कोई और मेरा ताउन कर दे, तो मैं तुम्हारे खोपड़ी को फोड़ दूंगा,
मैं तुम्हें श्रीरंगा पट्टनम में हमला नहीं करने दूंगा। है तुम्हारे मां मैंने दूध पिलाया तो आओ अकेले मुकाबला करो। ये चैलेंज दहाड़ थी उस शेर की। तने तनहा अपनी गद्दी पर बैठकर किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीपू सुल्तान के इलाके में कदम रख दे। हाँ, एक तरफ मराठा सेना, एक तरफ मराठा सेना इनके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ, गोया बक वक्त चार पांच बातिल ताकतों से लड़ रहे मेरे भाइयों। फिर आखिर वो दिन आ गया कि अंग्रेज ने पहले तो चारों ओर जाल बिछाया, सबको खरीद लिया। अब इसके घर में घुसे, इसके घर में कौन? वसीम रिजवी जैसा आदमी, वसीम रिजवी जैसा आदमी। कौन? मीर सादी, मीर कमरुद्दीन, मीर मोइनुद्दीन, ये लोग इसके घर में। और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि प्रधान सिपह सालार, जैसे वसीम रिजवी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, उसके ऊपर केस हुआ है सीबीआई की जांच में, आयकर विभाग वालों की तरफ से भी है, तो उस पर दबाव में आकर के, दबाव क्या, वो तो वैसा कॉन्सेप्ट बना लिया, उसने कहा कि मेरी लाश को अग्नि दे देना, क्योंकि वह जानता था कि मैं मरूंगा तो ना मुझे दफन करेंगे ना मुझे कोई जलाएंगे, इसलिए ज़बरदस्ती डासना में चले गए। वहाँ के गुरु जी को कहा, नरसिंहानंद जी को, कि आप हमारे लाश को जला सकते। उनको पता नहीं कि जो एक हमारे जो ब्रह्मन खानदान के जो संत होते हैं वो किसी को अग्नि नहीं देते, वो भूल गया शायद। तो बैरकैप जब दाखिल हुआ श्रीरंगापट्टनम में, अपने चेलों को, अपने गुरुओं को और अपने एजेंडे को दाखिल किया, तो सबसे पहले बहकावे में कौन आया? मीर सादिक आया। मीर सादिक ने अपने ईमान का सौदा कर लिया। मीर सादिक से कहा, इस ब्रिटिश के एजेंट ने, तुमको गद्दी चाहिए, तुमको मैसूर की गद्दी मिल जाएगी, तुमको नवाब बना दिया जाएगा, तुमको गवर्नर बना दिया जाएगा, बस तुमको साथ देना होगा। ये बताओ कि पूरे मैसूर का जो किला है सबसे कमज़ोर कहाँ पे? उसने रास्ता बता दिया और ये कहा कि तुमको उस दिन कोऑपरेट करना होगा जिस दिन जंग और मुकाबला होगा। कहा कि जाइए आप लड़िए इलेक्शन, हम कामयाब करेंगे ना हिंदू मुसलमानों को लड़ा के। आपको जो काम उस वक्त मीर सादिक ने किया था, वही काम आज की तारीख में ये वसीम रिजवी कर रहा। क्या हुआ फिर? एकदम सौदा तय हो गया। कुछ दिनों के बाद 4 या 6 मई 1799 को तकरीबन 50 दिन का मुहासरा कर लिया। 50 दिन से पूरे किले को घेरा जाता है, पूरा किला घिर चुका है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम और मेरे हिंदू भाइयों, किला घेर लिया जाता है, खाने के असबाब खत्म हो रहे थे। तो उस वक्त में टीपू सुल्तान आखिरी दिन अपने फौज और लाओ लश्कर को लेकर किले से बाहर निकले, अंदर से दरवाजे को बंद किया। कौन? ये मीर सादिक और टीपू सुल्तान ने जो मिसाइल बनाया था। और ये भी हिस्ट्री और ये भी तारीख है, ये भी खुशकिस्मती है कि भारत का सब बल्कि दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन भारत के अंदर टीपू सुल्तान है, उसने सबसे पहला मिसाइल बनाकर लॉन्च किया था। अपनी मिसाइल में तोप में गोला जो डालते थे, मीर सादिक ने बारूद के जगह पर मट्टी का गोला बना दिया था। अंग्रेजों को लगता तो उनको असर नहीं होता था। मेरे भाइयों, 6 मई का सुबह का टाइम है, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा। तहज्जुद के बाद फजर की अजान का वक्त आ चुका होता है, अजान होता है, नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। एक बादशाह है, एक एम्पायर है, देखिए ऐश की सारी चीजें मुहैया, लेकिन गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया। परवरिश किन की हुई थी? बाप की परवरिश की हुई थी, माँ की परवरिश की हुई थी। अगर आज आपकी बच्ची सड़कों पर
नंगे सर चलती है तो इसमें जिम्मेदार हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं, हमारे समाज के माँ और बाप हैं। अगर आपके बच्चे भड़कीले लिबास पहनकर बाहर जाती हैं तो जिम्मेदारी आपके सर पर, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपकी बच्ची फोन कॉल पे किसी गैर महरम को रात को 3 बजे 2 बजे आई लव यू माई स्वीट हार्ट बोलती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं कि आपने अपने बच्चे को इतना छूट क्यों दिया हुआ। आप अपने बड़े बच्चियों को या बड़े लड़कों को आप सेपरेट सोने मत दीजिए, उनके ऊपर निगाहें रखिए कि आपका बच्चा कहां जाता है, क्या करता है। आपका बच्चा शरीयत एतबार से जैसे ही आपका बच्चा जैसे ही बालिग हो जाए उसके जोड़े का इंतजाम कीजिए, उसके शादी का बंदोबस्त कीजिए। हमारे भारत के अंदर संविधानिक एतबार से 18 साल की उम्र में आप अपने बच्चे का निकाह करवा सकते। 18 साल तक तो पढ़ने में गुजर जाता है, इसलिए बच्चा जैसे ही बालिग हो आसानी के साथ निकाह कीजिए। अभी एक हजरत कारी इस्माइल साहब बता रहे थे कि कहीं पर 65 लाख खत्म किए जाते, कहीं पर 22 लाख रुपए खत्म किए जाते। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है, ये गलत है। इसलिए कि इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा आसान कोई चीज है तो निकाह करना होता है। इसलिए कहा गया सड़कों पर चलते हुए अगर कोई बालिग लड़की लड़का हाथ पकड़कर और किसी दो आदमी की मौजूदगी में ये कहे कि मैंने तुम्हें शौहर और मैंने तुम्हें अपने बीवी कबूल किया, एक दूसरे ने आपस में इजाब कबूल कर लिया तो निकाह हो जाता है। इतना आसान सिस्टम को हमने 65 लाख रुपए का बना दिया, इतने आसान सिस्टम को हमने 22 लाख का बना दिया। फिर होता क्या है कि मैच नहीं होता, बेबरकती होती है, अल्लाह की तरफ से लानतें बरसती है। 5 से 6 महीने के अंदर आपका वो रिश्ता टूट जाता है, आपके बच्चे आपके घर के अंदर आ जाते। इसलिए मेरे भाइयों 65 लाख रुपए शादी में खर्च करने के बजाय बहुत सारी गरीब बच्चियां पड़ी हुई अपने घरों में अपनी जवानी को रो रही है, उनको कम से कम 1-2 लाख रुपए से मदद और तावुन करोगे तो समाज में एक अच्छा और बड़ा काम हो जाएगा। ये सब जिम्मेदारी किन की है? ये सब जिम्मेदारी माँ और बाप की है। जब माँ बाप सही हो तो जब माँ सही हो तो कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बादशाह सिपहसालार पैदा होता है, जब माँ बेहतर हो दीनदार हो तो उनके कोख से तारिक बिन ज़ियाद पैदा होते, जब माँ ठीक हो तो उनके कोख से शेखुल हिंद पैदा होते, जब माँ दीनदार हो तो उनके कोख से मौलाना कासिम नानोतवी पैदा होते, जब माँ दीनदार हो तो उनके कोख से शाह अब्दुल अजीज मुअद्दिस देहलवी पैदा होते जिसने अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया। अगर माँ ठीक हो तो उनके कोख से बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा होते, मोहम्मद बिन कासिम अल फातह पैदा होते। नौजवानों 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, अब्दुल रहमान इब्ने औसर 21 साल की उम्र में अंदलुस और यूरोप को फतह किया था, वो भी माएं थी जिनके बच्चे कोख से निकलने के बाद में मुजाहिद बनते थे, हाफिज कुरान बनते थे, आलिम दीन बनते थे। मेरे भाइयों मेरे साथियों अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन जाते हैं, वो भी तो एक माए थी जो जनती थी अपने बच्चों को। आज क्या हो गया, हमारे माओ के कोख से कोई गाजी पैदा नहीं होता, कोई मूसा बिन नसीर पैदा नहीं होता, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, कोई उसामा बिन जैद पैदा नहीं होता। उसामा बिन जैद 18 साल की उम्र में सिपह सालार बना दिए गए थे। इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के इमाम और गवर्नर बनाए गए। 17 साल की उम्र में माज मुअव्विस 13-14 साल की उम्र में अबू जहल का सर कलम करता है। ये जवानी और ये ताकत कहां से आई? माँ बाप की सही तरबियत करने की वजह से। इसीलिए संस्कृत लफ्जों में भी कहा गया क्या, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। एक इंसान को एक पुरुष को वैदा ज्ञानी बनाता है 3 आदमी, माँ बाप चार्यावान उसका टीचर। यानी मदरसे में बच्चा पढ़ने गया, माँ बाप ने सही तरबियत की, मदरसे में गए तो टीचर ने भी सही रहनुमाई की, तो बच्चा फिर हीरा बनता। मेरे भाइयों मेरे साथियों फिर क्या हुआ, टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद घोड़े पर बैठकर थोड़ा राउंड लगाते, घुड़दौड़ उनकी जिंदगी का मामूल था, घुड़सवार घुड़दौड़ रेस करते थे। आज की तारीख में तो घुड़दौड़ नहीं कर सकते आप, घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। क्यों? पता चला कि आप घोड़ा लेकर पहुंचे अयोध्या फैजाबाद, वहां 3-4 आदमी का नाक माक तोड़ देगा आपका घोड़ा। बाइक चलाते हैं आज के डेट में, क्या बाइक
खपाची अपाची पल्सर आप चलाएं, आप इस नीयत से चलाइए कि मैं ये बाइक है मैं इसको बेहतर ड्राइव करूंगा। आज हमारे जो पायलट साहब हमारे शाबान भाई गए वो बहुत तेज़ी तेज़ी ला रहे थे, हमने कहा कि ये आराम की चीज़ है। हमारे नासिर भाई तो कह रहे हैं कि भगाए जाओ जल्दी पहुँचेंगे। हमने सोचा दिल दिल में इतने तेज़ ना भगाओ कि कहीं ऊपर ना पहुँच जाए। बहरकैफ ये चीज़ें होती हैं, आप ड्राइव करें, गाड़ी सीखना ड्राइव करना बुरी चीज़ नहीं, आप बेहतर ड्राइवर बनिए, बेहतर ड्राइवर बनिए। बट यू शुड टू चेंज योर कॉन्सेप्ट योर इंटेंशन बिकॉज अल्लाह द प्रोफेट मोहम्मद सैड इन द होली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, आमाल का दार मदार नीयत पर है। अगर आप बेहतरीन बाइकर हैं बेहतरीन ड्राइव करते हैं, नीयत आपकी ये है कि मैं इससे दीन की खिदमत करूँगा, मैं इससे अल्लाह के दीन की मदद के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ जाए खिदमत के लिए मैं आ जाऊँगा, किसी की मदद के लिए। फोर व्हीलर का ड्राइवर हैं तो कोई बीमार पड़ जाए कहीं हॉस्पिटल में अगर अचानक जाना हो इमरजेंसी में तो लेके जाइए। सड़कों पर चल रहे हैं कहीं पर देखा कि एक्सीडेंट हो गया, हम एक जगह प्रोग्राम में जा रहे थे तो देखा कि एक जगह ऑन द स्पॉट मेरे सामने में बहुत तेज़ी के साथ एक फोर व्हीलर वाले ने एक मोटरसाइकिल उसको पैदल क्रॉस करने वाले को इतने ज़ोर से मारा कि बेचारा जाके गिर पड़ा। उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम मैं इसको उठाता हूँ इस वक्त में तो हम फंस जाएंगे। हमने गाड़ी पीछे खड़ी की, पीछे खड़ी करने के बाद उस आदमी को उठाया, दो चार आदमी को हमने बुलाया, उसको गाड़ी पर डाल कर लेकर जा रहे थे, गए कि उसको हॉस्पिटल में डाला कि इल्ज़ाम हम पर आ गए, ये इन्होंने मारा मौलाना ने, हम अपना जलसा छोड़कर प्रोग्राम में छोड़कर जाके उसकी हम मदद कर रहे हैं, कहा यही मारा मौलाना ने। बात पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस वालों ने कहा कि कौन सी गाड़ी, हमने कहा सर देखिए गाड़ी देखा तो गाड़ी में कहीं पर कोई निशान नहीं, जो इतना ज़ोर से मारेगा तो गाड़ी का कोई सा पार्ट्स जो होगा वो डैमेज होगा। कहा कि ये नहीं, उस आदमी को ढाई दिन में होश आया तो देख कर उसको कहा कि भाई तुमको किसने मारा, ये मौलाना ने मारा। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो जिस वक्त मैं उठाया था तो उस वक्त थोड़ा उसको होश था, उसने देखा था, गरम गरम होता है तो उस वक्त महसूस नहीं होता। कहा कि इन्होंने तो हमको उठाया था उस वक्त में, मारा किसी और ने था। तो नीयत अगर आपकी ये है कि आप बेहतरीन ड्राइवर हैं दीन की तावुन के लिए, शरीयत के तावुन के लिए, गांव समाज में अच्छे काम के लिए, अगर आप बेहतर ड्राइवर बनते हैं तो आपका ड्राइवर बनना भाई से सवाब। जी आज के दौर में तो वो ऊंट के ऊपर सवारी नहीं है, खच्चर के ऊपर सवारी नहीं है, दुलदुल के ऊपर सवारी नहीं, आज की तारीख में तो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते आप, आज के ऊपर आज तो खपाची आ गया है, मारुति कार एक से एक कलेक्शन है, लाखों रुपए कीमतें होती है उनकी। तो आपको अल्लाह ने अगर दी है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, सही नीयत के साथ कीजिएगा तो भाई से सवाब। तो बात कहाँ से निकली, टीपू सुल्तान डेली फजर की नमाज के बाद पहले नमाज पढ़ते थे फिर कुरान की तिलावत करते थे, उसके बाद डेली घोड़े पर बैठ कर घुड़दौड़ सवारी करते थे। क्यों? नीयत ये थी कि जब भी कोई जालिम आएगा, जब भी कोई देश का दुश्मन आएगा, मैं इन्हीं तलवार से और इसी घोड़े, उसके घोड़े का नाम ताऊस था, इसी घोड़े के जरिए से उसका सर कलम करूंगा अपने इन तलवारों से। मेरे भाइयों मेरे साथियों, 6 मई 1799 मैसूर के किले के बीच में लड़ाई एकदम पूरे शबाब पर है। टीपू सुल्तान जैसे गेट से बाहर निकले, इन दुश्मनों ने वसीम रिजवी जैसे मीर सादिक मीर जाफर और मीर मोइनुद्दीन जैसे गद्दारों ने अंदर से उसको बंद कर दिया। टीपू सुल्तान के खादिम ने देखा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो टीपू सुल्तान का खातिम नजीबुल्ला खान था, वह ईमानदार था, उसने देखा आकर फौरन तलवार से मीर सादिक का सर वहीं पर कलम किया जाता है, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। नजीबुल्ला खान ने देखा तने तनहा शेर हिंदुस्तान जा रहा मुकाबला कर रहे हैं, भारत के अंदर तनहा ऐसा योद्धा पैदा हुआ, मुस्लिम एम्पायर के अंदर जो बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था। जब इसकी तलवार चलती थी उस ताऊस घोड़े में तो कुफार के परखच्चे उड़ रहे थे, तो एक तरफ से देखा कि अंग्रेज ने कैसे मुकाबला सामने से नहीं कर पाऊंगा, पीछे से उसके घोड़े के पैर पर गोली मारता है, ताऊस घोड़ा गिर जाता है,
फिर टीपू सुल्तान भी गिर जाते। टीपू सुल्तान उठने से पहले पहले अंग्रेज के तरफ से सिपाही ने दूर से गोली चलाई और उनके टांग पर लगती है। फिर भी ये घिसट घिसट कर लड़ाई कर रहे, अंग्रेज का मुकाबला कर रहे। मेरे भाइयों बताओ, मेरे साथियों, ये जुरात, ये बहादुरी, ये ताकत कहां से आई? बचपन से, जब निगरानी सही हुई। एक देश सच्चा देश भक्त और एक सच्चा मजहबी, एक सच्चा मुसलमान, ये जीता जागता सबूत है टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान भारत का। यही वजह है कि कुछ फिरका प्रस्त लोग टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को मिटाने के लिए, उनकी जो फोटोज आपके सामने हैं वो फोटो गलत है। टीपू सुल्तान की दाढ़ी थी, टीपू सुल्तान की पगड़ी अलग थी। टीपू सुल्तान की इस फोटो में, मौजूदा मसनूई फोटो के अंदर, उसकी दाढ़ी नहीं दिखाई गई। वाशिक रसूल भी था, वाशिक भारत भी था, वो मुहिब्बे कुरान भी था, वो मुहिब्बे वतन भी था। टीपू सुल्तान के कनपट्टी पर गोली मारता, कनपट्टी पर गोली लगती है, बेहोश होकर गिर जाते। जिस अंग्रेज के सिपाही ने गोली चलाई थी, उसने देखा कि टीपू सुल्तान के कमर के ऊपर एक हीरे का पट्टा बंधा हुआ। उस हीरे के पट्टे को खोलने के लिए जाता, टीपू सुल्तान अभी मरे नहीं थे, अभी वो शहीद नहीं हुए। फौरन पलट कर वार करता है कि टीपू सुल्तान का सर तन से जुदा हो जाता है। तो जनरल हॉर्स 5 घंटे खड़े रहकर टीपू सुल्तान के लाश के करीब भी जाने की जुरत नहीं हो रही थी कि ये शेर सो रहा है, अगर जाग गया तो आज भी ये खात्मा कर देगा हमारे सिपह सालारों का। जब शेर था वो मैदान में, उसको शेर बोलते। बैतवा निजामे दक्कन से मदद मांगता, वो मना कर देता है। अंग्रेज को कहता है हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते, अंग्रेज कहता है कि जंग करनी पड़ेगी। इधर मराठा सेनाओं से मदद मांगता, मराठा सेनाओं ने मुंह मोड़ लिया। नवाब मोहम्मद अली खान से मदद मांगी जाती, वो भी मुंह मोड़ लेता है। तब तने तनहा कहता है, जब वो लड़ रहे थे अकेला, तो नजीबुद्दीन नजीब खान ने कहा कि सर आपके 12 बेटे हैं, कम से कम उन बेटों की खुशहाली के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लीजिए, कम से कम वो आपको कैद तो नहीं करेंगे, कैद नहीं करेंगे आपको। उस वक्त नजीब खान को कहा था कि नजीब खान, मैं अपने बेटे के सर पर कफन बांध कर आया, मैं अपने तमाम बेटों को अपने देश के लिए, अपने दुनिया के लिए, और अपने देश और दीन के लिए कुर्बान करने के लिए आया हुआ हूं। पहले मैंने अपने बेटों के सर पर कफन बांधा, तब जाकर मैंने अपने सर पर कफन बांधा। शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से ज्यादा बेहतर होती। उस वक्त ये बोलकर मैदान में निकले थे। 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स पहुंचता, ऐसे उंगली को हिलाता दूर से, कितना बड़ा मुजाहिद था, कितना खौफ बैठा हुआ था। वही होता है कि जब आपकी जिंदगी में दीनदारी आएगी तो अल्लाह की तरफ से रौब दूसरों के ऊपर डालेगा उसका, मोहब्बत के जरिए हो या जैसे भी हो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वही सब्बित अकदामकुम। मेरे नौजवानों, मोबाइलों में जिंदगी बर्बाद मत करो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, दुआएं लो उनसे। वला तकुल लहुमा उफ, और हमारे माँ बाप भी अपने बच्चे को प्रेरित करें, आगे बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग बनाए उनको। मेरे साथियों, 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स बॉडी पर खड़े होकर तब कहता है, दोनों बंदूक को ऐसे उठाकर, दोनों हाथों में बंदूक उठाकर, कि आज से ये देश मेरा है। एक बहुत बड़े मुजाहिद का खात्मा आज ही, ये 6 मई 1799 के श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर खात्मा किया गया। उस मुजाहिद का जन्मदिन, उस मुजाहिद की पैदाइश की तारीख 20 नवंबर 1750। हम लोग नहीं जानते, हमारे नौजवान साथी तो बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए कि हमारे नौजवान तो आजकल न मालूम। वाकईतन मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं आप ही के कबीले से हूँ, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे साथियों, मैं आप ही के बहुत करीब के उम्र का हूँ, 33 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ इस वक्त है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि दो चीज़, एक अपनी ज़िंदगी में शरीयत कुरान सुन्नत, और दूसरी चीज़ अपने आप आ जाएगी अगर ये चीज़ें आपके अंदर होंगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं हर प्रोग्राम के आखिर में ये पैगाम देता हूँ, इसलिए कि भारत जैसे मुल्क में करप्ट नेताओं, करप्ट लीडरों, करप्ट सिस्टम को एक एजुकेटेड आदमी ही सुधार सकता है। कैसे?
आप पढ़ेंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे, या किसी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, ये सब काम जब आप करेंगे, एजुकेटेड जब आप हो जाएंगे, तो कोई भी आदमी आपके सामने बदअनवानी करने से, करप्शन घोटाला करने से आपके सामने डरेगा। ये मेरा तजुर्बा है अपनी ज़िंदगी का, मुख्तसर से ज़िंदगी का मेरा अभी का तजुर्बा। बड़े बड़े नेताओं और सुरमाओं के पसीने छूटे हैं जब सामने में दो टोक लफ्ज़ों में हम उनकी बदअनवानी को लोगों के सामने हम रखते हैं। हमने रखा है अभी अपने इलाके के अंदर में करोड़ों रुपए का घोटाला, लोग बेचारों को मालूम नहीं, उनको पता नहीं है, एकदम एक लड़के का मर्डर हुआ, धारा 302 लगना चाहिए, ओ पता ही नहीं, जब उसका FIR जाके देख रहे हैं चार्जशीट में तो FIR ही बदल दिया गया, FIR में अटेम्प्ट टू मर्डर धारा कमजोर करके लगा दिया गया। तो हमारे बच्चे लॉयर भी बनेंगे, जब लॉयर बनेंगे तो किसी के साथ ना इंसाफी होगी, हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, तो कागजी एतबार से तो कम से कम हम समझ पाएंगे ना, दुनियावी एतबार से तो मौलाना कलीम साहब के हाथ में हथकड़ी डाल दी, हमने प्रोटेस्ट कर लिया, सोचा लिया कि हमने बहुत पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन कागजी एतबार से हमारे पास है कोई वकील लड़ने के लिए? हमारी मस्जिदें करीब में चली गई अग्यार के पास, उसका केस लड़ने के लिए हमारे पास लॉयर नहीं था, उसका केस लड़ने के लिए लॉयर नहीं था। क्यों? क्या हमारे बच्चों के अंदर में ज़हन दिमाग नहीं है? आज भी 3 दिन पहले अभी 3 हमारे भारत का योद्धा गोल्ड मेडल लेकर बाहर से आए, तो वो भी हमारे कबीले से, नॉन मुस्लिम भाइयों में भी है, लेकिन मुसलमानों ऐसा नहीं कि आप में हुनर नहीं है, आप में जज्बात नहीं है, और आप में इंटेलिजेंसी नहीं है, आप में माइंड नहीं है, लेकिन शुरू से ही उसकी तरबियत करनी पड़ेगी। यहूदी आज दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम है, सबसे रुस्वा कौम थी, लेकिन सबसे मजबूत तरीन कौम बन गई, क्योंकि बचपन से जैसे उसके माँ के पेट में बच्चा जाता है ना, उसी वक्त से वो उस बच्चे के दिमाग को तेज़ करने में, मेहनत करने में लगी रहती है, बचपन से ही लगी रहती है वो। तब जाकर हमारा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, भारत का PhD किया हुआ डॉक्टर, और यहूदी का 10 साल का इंटर का तालिबे इल्म, बराबर कर लीजिए, नहीं सक पाएगा वो, मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो यहूदी जिनको ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना कहा गया, आज वो 75% मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक हैं। हम पढ़ते हैं इस नीयत से कि नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे, यहूदी के बच्चे पढ़ते इस नीयत से कि हमको नौकरी पैदा करना है, ये फर्क है, नौकरी जनरेट करना है। आप सपना देखिए कि हवाई जहाज में उड़ूंगा तब जाकर आप हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाएंगे, आप सपना पैदा कीजिए कि मैं जस्टिस ऑफ भारत जुडिशियल डिपार्टमेंट में जाऊंगा, बेहतर लॉयर बनूंगा, तब जाकर आप बेहतर मास्टर बन सकते हैं। बहुत ज्यादा तीर नहीं मारना पड़ता, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए मैट्रिक इंटर के बाद, उसके बाद आप अपनी दिशा चेंज कर सकते, ज्यादा नहीं। नौजवानों, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन आप किसी सब्जेक्ट में करते हैं तो उसी सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई कीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल आप ढंग से पढ़ लीजिए, 5 साल आप ढंग से पढ़ लीजिए, जिस डिपार्टमेंट में कम पैसा लगता है उधर चले जाइए। बहुत सारे सिविल सर्विसेज में आप चले जाएंगे, APSC BPSC के अंदर में तो कम पैसा लगेगा, उसमें सिर्फ मेहनत है, उसमें 24 घंटे में से 14 घंटा आपको पढ़ना होगा, और हमको कभी उम्मीद है कि जो बच्चा पढ़ता है वो निकाल लेता, अभी निकाला हमारे यहाँ कई कई बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे UPSC BPSC में निकाले, तो DM बनेंगे, SP बनेंगे, SDM बनेंगे, SP DSP बनेंगे आप, DM SDM बनेंगे आप, SDO बनेंगे आप, BDO बनेंगे, DO बनेंगे, DAC बनेंगे, कुछ भी आप बन सकते हैं। जब आप बनेंगे तो आप जब पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा काम करेंगे मेरे भाई, जो अगर आप बिजनेस भी करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छी आप ग्रोथ कर सकते। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने बड़े भाई नासिर साहब का, इजहार भाई, इरशाद भाई, इन सब इनकी पूरी टीम का, कि बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम किया, और सीरतुन्नबी के उन्वान से इनके जो भी जायज़ मकासद हैं अल्लाह इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए, और हम लोगों ने जितनी भी बातें सुनी हैं, कही गई है, अल्लाह उन सब पर 100% पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन माँ और बहनों से कि वो घर के गार्जियन होती है, अगर आपके घर के अंदर आप अपने बच्चे को सही दिशा देने में मेहनत करेंगे तो आपका वो बच्चा एक दिन आपके लिए बहुत
बल्कि निजात का ज़रिया भी बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।